अभी तक तो पूरे दुनिया में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स ने दहशत फैला रखी थी, लेकिन अब इन दोनों वायरस के अलावा एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विझिंजम इलाके में नोरो वायरस के दो मामले की पुष्टि हुई है। ये वायरस दो बच्चों में पाया गया है, जहां दोनों बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का आकलन कर लिया है, क्षेत्र से नमूने लेकर परीक्षण किए गए हैं और इससे निपटने की कार्यवाही भी तेज कर दी गई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे पता चला इस लक्षण के बारे में। केरल के अलापुझा जिले के कायमकुलम में एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के 8 छात्रों को फूड पॉइजनिंग का एक संदिग्ध मामला सामने आया था। छात्रों में बेचैनी की शिकायत के बाद शनिवार को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दो बच्चों में संक्रमण का पता चला। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी प्रयोगशाला में छात्रों के नमूनों का परीक्षण किया गया। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इस वायरस के संक्रमण से जल्द ही निजात पाया जा सकता है। कैसे फैलता है नोरो वायरस? पशुओं के जरिए इंसान में फैलता है नोरो वायरस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है, दूषित जगहों के संपर्क में आने से फैलता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से भी फैलता है ये वायरस। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में भी फैल सकता है। एक व्यक्ति कई बार नोरो वायरस से हो सकता है संक्रमित। इस वायरस के कई अलग अलग प्रकार पाए गए हैं। क्या है नोरो वायरस के लक्षण? नोरो वायरस किसी भी इंसान के पेट पर करता है हमला। पेट में पहुंचने के साथ ही आंतों की परत में सूजन बढ़ाता है। संक्रमित व्यक्ति को आमतौर पर दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होती है। संक्रमित व्यक्ति में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जैसे लक्षण दिखते हैं। संक्रमित मरीज में बुखार, सिर दर्द और शरीर दर्द की शिकायत भी मिलती है। आमतौर पर ये वायरस सभी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में ज्यादा गंभीर हो सकता है। वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे के बाद इसके लक्षण विकसित होते हैं। यदि समय पर इलाज शुरू हो जाए तो संक्रमित व्यक्ति 3 दिनों के अंदर ठीक भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है। संक्रमित मरीज को डॉक्टर खूब पानी और तरल पदार्थ लेने की सलाह देते हैं। इसका खतरा रोजाना जानवरों के संपर्क में आने वाले लोगों के साथ सबसे ज्यादा है। ऐसे लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। डॉक्टर नोरोवायरस से बचाव के लिए साबुन और गुनगुने पानी से हाथों को अच्छी तरह धोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा फ्रेश खाना खाने और अगर बीमार महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहने की सलाह देते हैं। नोरोवायरस सैनिटाइजर से भी नहीं मरता, इसलिए सैनिटाइजर से हाथ साफ करने का कोई फायदा नहीं होगा।